दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है या आपका पीसी बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, तो आज की वीडियो में आपको कुछ तीन ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। नॉर्मल और बेसिक टिप्स होते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है। कुछ टिप्स हैं जो हमारे पीसी में होते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं करते, और उसी की वजह से हमारा लैपटॉप काफी ज्यादा हैंग या काफी ज्यादा लैग करने लगता है। हम किसी गेम को खेलते हैं तो हमारा पीसी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गेम भी अच्छी तरीके से रन नहीं करता। तो सिंपल बात है, अगर आपका पीसी हैंग कर रहा है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको तीन टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन्हें फॉलो करते तो 100% आपका जो पीसी बहुत स्लो चल रहा है वो फास्ट हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो चलता है और बहुत ज्यादा हैंग करता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले एक राय देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप पे अपने पीसी में कोई थर्ड पार्टी या कोई फ्री एप्लीकेशन या फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री एंटीवायरस को इंस्टॉल किया है तो आप उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर आपके पीसी को काफ़ी हद तक स्लो कर रहा है। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार अनइंस्टॉल करके देखो और फिर अपने लैपटॉप को यूज़ करो, आपको फ़र्क मिल जाएगा। तो चलो हम बात करते हैं अपनी टॉपिक की, क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी जो पहले ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए आपको अपने दिस पीसी पे जाना होगा, ठीक है। दिस पीसी पे जाने के बाद और फिर यहाँ पे आपको दिस पीसी के ऑप्शन पे अपने माउस का राइट वाला की प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन मिलता है आपको प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको प्रोफेशन का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए ये जो ऑप्शन मिलता है थर्ड में, आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का ऑप्शन जो मिलता है थर्ड में, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे ही कर देंगे तो आपका लैपटॉप थोड़ा सा वेट कर सकता है, थोड़ा लोड ले सकता है, ठीक है। लोड इसलिए लेगा जो दोस्तों कि आपके जो फ्रंट होते हैं, देखिए अभी आपके सामने कुछ चेंज हो रहे हैं, चेंज हो गए। अभी देखो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद देख सकते हैं ये मेरे लैपटॉप का जो पहले फ्रंट आपने देखा था, आप बैक करके देख सकते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। यहाँ से देखिएगा इस हमारा जो लैपटॉप दिख रहा है आपको, ये फ्रंट होते हैं ये काफ़ी हद तक थर्ड क्लास के दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपका भले ये बुरा दिख रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो लैपटॉप की स्पीड होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं तो स्लो ओपन होती, तो अब वो स्लो ओपन नहीं होगी। तो ये ट्रिक करने से आपका इतना फ़ायदा हो सकता है कि आपका लैपटॉप जो काफ़ी हद तक स्लो चल रहा है वो आप फास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी पहले ट्रिक थी। अब बढ़ते हैं दूसरी टिप्स के ऊपर। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पे टाइप करना है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइप हेयर टू सर्च का, तो आप इसमें क्लिक करें और यहाँ पे आपको रन टाइप करना है, RUN, ठीक है, आपको रन टाइप करना है। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको देखिए मैंने ऑलरेडी टेम्प पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आपको टेम्प टाइप करना होगा। टेम्प टाइप करने के बाद आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। ओके में जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको कुछ फोल्डर्स इस तरह दिखेंगे, तो आपको यहाँ से इन्हें मार्क कर लेना है और यहाँ से आपको डिलीट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह डिलीट कर लीजिए, जैसे कि आपने इन्हें डिलीट कर लिया, फिर उसके बाद आपको फिर से वापस यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ से वापस से आपको रन टाइप करना है। ओके, यहाँ से हम रन वापस से टाइप कर लेंगे। रन को टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे जो गाइस आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है ना, टेम्प, टेम्प के आगे और पीछे दोनों स्टार्टेड और लास्ट में आपको परसेंटेज लगा लेना है, इस तरह परसेंटेज लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह मैंने लगा लिया है। अब यहाँ से फिर से आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको बहुत सारे जो कि ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको इन सभी को मार्क कर लेना है, इस तरह सेलेक्ट कर लेना सभी को, और फिर से यहाँ से आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इन्हें डिलीट कर देंगे तो इससे आपका लैपटॉप काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर कुछ ट्राई वगैरह मांगे तो आप स्किप कर दीजिए, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट फाइल हो, तो डरिएगा नहीं, इसमें आपकी पर्सनल चीज़ें नहीं डिलीट होंगी या आपकी वो चीज़ें नहीं डिलीट होंगी जिससे कि आपके लैपटॉप को नुकसान पहुंच सके। तो इस तरह देखो 90% तो हो जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, वैसे ये डिलीट हो जाएगा, बस आपका कुछ आधा मिनट या 30-35 सेकंड तक ले सकता है, तो इसे हम मिनिमाइज करते हैं। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक थी दोस्तों। इसे करने से जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे कुछ कुकीज या कैश फाइल जम जाती हैं, तो वैसे इसमें भी हमारा ये कुकीज या कैश फाइल को डिलीट करना ही रहा, जिससे कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उसकी जो कुकीज होते हैं, जो कैश फाइल होती है वो जम भर जाती है, तो वही थी और उसे हमने डिलीट कर दी। तो इससे हमारा लैपटॉप काफ़ी हद तक फास्ट हो सकता है। अब चलो हमारी जो वीडियो का लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, वो ट्रिक है दोस्तों कि आपके लैपटॉप पे ही एक एंटीवायरस दिया होता है, खासकर वो एंटीवायरस जैसा तो काम नहीं करता, लेकिन बहुत खींच के अगर आप अपने लैपटॉप पे कोई ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो जो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए, आपके लैपटॉप के लिए हानि पहुंचा सकता है, आपके लैपटॉप को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी पीसी को, अपने आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ऑप्शन
आपके उस सॉफ्टवेयर को तुरंत डिलीट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को नहीं ध्यान देते, और उस ऑप्शन को हम ध्यान नहीं देते तो इसकी वजह से भी हमारा लैपटॉप काफ़ी हद तक स्लो चलता है। तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, लाने के लिए, यहाँ से आपको टाइप है टू सर्च पर वापस से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है विंडो सिक्योरिटी। जैसे आप विंडो सिक्योरिटी टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक पेज ओपन होगा, और यहीं पर आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। यहाँ से देखिएगा गाइस, यहाँ से वायरस जो प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है आप इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे स्वाइप करें, और यहाँ से देखिए ये जो वायरस जो ऑप्शन दिख रहा है ना प्रोटेक्शन सेटिंग का, तो आपकी देखिए मैनेज सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसमें क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ योर लिविंग जो भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिसेबल है, तो आप इसे इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद दोस्तों होगा क्या कि अब आपका लैपटॉप पूरी तरह से सुरक्षित होगा, जिससे कि कोई भी वायरस या कोई भी ऐसी फाइल या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पीसी को नुकसान पहुंचा रहा होगा तो ये उसे ब्लॉक कर देगा, उसे रिमूव कर देगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा हद तक ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका लैपटॉप काफ़ी हद तक फास्ट हो सकता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो की 3 ऐसे टिप्स जिनसे हम अपने लैपटॉप की स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।